हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपके लिए फिर से एक और नाइट जैन का डोरमेट लेकर आई हूँ जो बनाने में बिल्कुल ईजी है। जिसके लिए मैंने यहाँ पे चार कलर लिए हुए हैं। आप कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, जो भी आपको लेना होगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे चार कलर ले लिए हैं और हमने यहाँ पे ये देखिए एक पत्ती मैंने बना भी ली है। इसी में आपको मैं बनाना बताऊँगी किस तरह से हमने बनाना है। ये देखिए, इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 32 फंदा लिया हुआ है। 32 फंदों में मैं आपको ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाना बताऊंगी और शुरू से ही हम आपको बताएंगे। इसके लिए 9 नंबर सिलाई ले ली है और यहाँ पे 32 फंदे डाले हैं। आप इसे 40 फंदे से भी बना सकती हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप उस तरह से इसको बना सकती हैं। जैसे कि ये 32 फंदों में 3 कली बन रही है और 40 फंदे आप डाल रहे हैं, तो यहाँ पर ये 4 कली बन के आपकी कम्प्लीट होंगी। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ से इसको बनाया है, सेम तरीके से आपको यहाँ से ही मैं बताऊँगी किस तरह से मैंने इसको बनाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं ये प्यारा सा हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। और आप इसे किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे कि डोरमेट की जगह या टेबल मैट की जगह या पूजा आसन की तरह किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। अगर आप पुरानी चुन्नी और साड़ी से बना रहे हैं तो इसको आप 32 फंदों से ही बनाना शुरू करें। काफ़ी बड़ा आपका बनके कंप्लीट होगा 32 फंदे का भी, और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है और बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पे हमने इसके लिए 4 कलर ले लिए हैं। आप 2 कलर से भी इसको बना सकती हैं, 3 कलर से भी, जैसा आप चाहें उस तरह से आप इसको कर सकती हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे फंदे डाले हैं और फर्स्ट रो से ही हमने इसको बनाया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सिलाई हम बना लेंगे, ये देखिए इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे डिजाइन हमारा हो चुका है। यहाँ पे हम फंदे डाले थे वैसे ही हमने डिजाइन को बनाना शुरू कर दिया था और फंदे मैंने वैसे ही डाले हैं जैसे मैं हमेशा डालती हूँ। तो देखिए, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। ये देखिए, मैंने ऐसे ही यहाँ पे फंदे अपने डाले हुए हैं, 32 फंदे। तो देखिए, यहाँ से मैं अपना इसमें दूसरा कलर ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं दूसरा कलर, फंदे मैंने वैसे ही डाले हैं जैसे मैं डालती हूँ इस तरह से, ये देखिए ऐसे। तो यहाँ पे दूसरा कलर मैं ऐड कर देती हूँ और दूसरे कलर की मैं एक सिलाई यहाँ पे बना लेती हूँ। बहुत ही सिंपल सा है गाइज, उसके बाद आपको डिजाइन हम बताएंगे। तो इसमें मैंने यहाँ पे क्या किया है, फंदे डाल के और डिजाइन को बनाना शुरू कर दिया है। तो आइए, मैं एक सिलाई यहाँ पे पहले बना लेती हूँ। ये देखिए, इस धागे को हम अंदर ले लेंगे। यहाँ पे आप धागे को कट कर सकते हैं, तो हम अंदर की तरफ करते हुए इसको कट कर लेंगे। तो आइए, मैं एक सिलाई यहाँ पे बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम ये आपको ये शुरू से ही बता रहे हैं। और देखिए, मैंने यहाँ पे 32 फंदे डाल के डिजाइन को शुरू किया था जैसे मैं आपको अब ये बताऊंगी। ये देखिए, 32 फंदे यहाँ पे डाल लिए हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 फंदे मैंने यहाँ पे बनाए और यहाँ से मैंने अपना इसमें दूसरा कलर ऐड कर दिया। ये देखिए, एक
दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह। चौदह फंदे अपने क्रीम कलर से बनाए, सोलह फंदे अपने मैरून से बनाए और चौदह फंदे क्रीम से, और दो फंदे मैंने लास्ट के बिना बुने छोड़ दिए। और सिलाई को पलट जाएंगे और सीधी सिलाई में हम जो फंदा जैसा है उसी कलर से इनको बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। जो फंदा जैसा है उसी कलर से इनको बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सा है गाइज, जो फंदे डाल के मैंने डिजाइन को ऐसे ही इसको शुरू किया है। तो आपने फंदे डाल के डिजाइन को वैसे ही शुरू करना है। ये देखिए, धागे को पीछे करेंगे और मैरून को आगे लाएंगे। जो जैसा फंदा है वैसे ही हम यहाँ पे बना लेंगे। और देखिए, आप कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे पसंद है। और गोपाल जी की ड्रेस इसमें मैंने काफ़ी डाली हुई हैं अपने चैनल में, आप मेरे चैनल में देख सकते हैं जाके, बहुत ही अच्छी अच्छी काफ़ी ड्रेसेस डाली हुई हैं। तो देखिए, मैंने इस साइड से इस धागे को फंदे को बना लिया है और इधर से हम यहाँ से इस फंदे को स्लिप करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, अब दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह फंदे बनाए और दो हम क्रीम वाले यहाँ पे मैरून से बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं। एक दो सोलह सत्रह अठारह फंदे हो चुके हैं। अठारह फंदे बना लिए हैं। अब ये देखिए, दो मैंने क्रीम वाले मैरून से कर लिए हैं। अब ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, और दो लास्ट के फिर से मैंने छोड़ दिए, यहीं से पलट जाएंगे। सीधी सिलाई में जो फंदे जैसे हैं उसी कलर से इनको बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। उल्टा उल्टा जो फंदे जैसे हैं उसी कलर से हम इनको पूरा यहाँ तक बना लेते हैं। तो सीधी सिलाई मैंने यहाँ पे बना ली है और इसी तरह से मैं यहाँ पे तीन सिलाइयाँ ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट करूँगी। तो एक हो चुकी है, दो और ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह। अब ये देखिए, दो फिर से क्रीम वाले करेंगे, अठारह उन्नीस और ये बीस। अब यहाँ से हम ये देखिए क्रीम वाले दो तीन चार पाँच और ये छः, लास्ट के फिर से दो फंदे छोड़ दिए हैं, यहीं से सिलाई को पलट जाएंगे। तो यहाँ पे ये दो सिलाइयाँ हम बना चुके हैं, एक बार और ऐसे ही बनाएंगे। जैसे यहाँ पे ये देखिए डिजाइन की, एक दो तीन, तीन सिलाइयाँ मैंने बनाई हुई हैं, वैसे ही दो हो चुकी है, एक और ऐसे ही बनाएंगे। अब ये देखिए, फिर से हमने सीधी सिलाई को जो फंदा जैसा था उसी कलर से हम बना लिए हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह
18, 19, 20 फंदे ये बनाए और दो आगे से ले लेंगे, 21 और ये 22, और दो फंदे हम क्रीम से बना लेंगे और लास्ट के मैंने दो फंदे फिर से छोड़ दिए। तो ये देखिए 2, 4, 6, 8, 8 फंदा यहाँ पे हम छोड़ चुके हैं। वैसे ही अब बता रहे हैं जैसे मैंने ये कली बनाई है सेम तरीके से। अब ये देखिए सीधी सिलाई में जो फंदे जैसे हैं उसी कलर से हम इनको धागे को क्रॉस करते हुए बना लेंगे। प्लीज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। ये देखिए, तो चलिए सीधी सिलाई को बना के कम्प्लीट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एक कली ये बन के कम्प्लीट हो चुकी है ये वाली। अब ये दूसरी वाली कली हम बनाएंगे और यहाँ पे ये तीसरी भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पे ये दो कली जो बनी हुई हैं 14-14 फंदों की हैं और ये हमारी 12 फंदों से है, तो वही मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो तीन दूसरी कली डालेंगे हम, 4, 5, 6, 7 और ये 8, 8 फंदे हमने ये बनाए। अब यहाँ पे ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 14 फंदे हम ये बनाएंगे और लास्ट के हम दो फंदा छोड़ेंगे। तो देखिए किस तरह से 8 फंदे मैरून से बना लिए, बाकी के हम यहाँ से मैरून ओ क्रीम कलर अपना लगाएंगे। 1, 2, 3, 4 और ये देखिए इसको इस तरह से बांध देंगे, 5, 6, 7, 8 अब ये देखिए इस तरह से 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14, 14 फंदे मैरून वाले क्रीम से कर लिए हैं और दो फंदे मैंने लास्ट के फिर से मैंने वो अपना छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे ये देखिए 2, 4, 6, 8 8 फंदे पहले छोड़े थे, अब ये 10 में दो फंदे फिर से छोड़ दिए हैं और यहीं से सिलाई को पलट जाएंगे और सीधी सिलाई हमने जो जैसा फंदा है उसी कलर से इनको हम बनाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे हम बना चुके हैं, अब ये वाली पत्ती बना रहे हैं। तो इसके बाद हम तीन बार तीन सिलाइयाँ यानी कि हम ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए किस तरह से, ये देखिए 8 फंदे मैरून वाले मैरून से बनाते हैं। ये देखिए 8 फंदे मैंने ये बनाए मैरून से, ये देखिए, और दो हम क्रीम वाले मैरून कर लेंगे, 1 और ये यहाँ पे 10 फंदा हो चुका है। अब ये देखिए वैसे ही फिर से लास्ट के दो फंदे छोड़ेंगे और तीन सिलाइयाँ वैसे ही बनानी हैं जैसे ये नीचे वाली पत्ती के लिए मैंने बनाई थी, 1, 2, 3 लास्ट के। ये देखिए 2, 4, 6, 8 10, ये देखिए 2, 4, 6, 8 9 और ये 10। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। ये देखिए दो फंदे लास्ट के फिर छोड़ दिए हैं और यहीं से पलट जाएंगे। अब तीन बार हम ऐसे ही इसको बनाएंगे फंदा छोड़ते हुए। तो सीधी सिलाई को हम बना लेते हैं, उसके बाद आपको फिर दिखाते हैं। ये देखिए 2, 3 आगे हैं उल्टी सिलाई पे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। दो फंदे मैरून क्रीम वाले मैरून से कर लिए हैं। अब ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 लास्ट के फिर से मैंने दो फंदा छोड़ दिया है, यहीं से पलट जाएंगे। सीधी सिलाई में जो फंदे जैसे हैं उसी कलर से हम इनको बनाएंगे। फिर से आगे हैं उल्टी सिलाई पे, पहले फंदे को उतारेंगे, धागे को अपनी तरफ घुमा लिया है, 3, 4, 5,
सात, आठ, नौ, दस, ये 11 और ये 12 और दो क्रीम वाले मैरून, 13, 14। अब ये देखिए लास्ट के हम दो फंदा फिर से छोड़ेंगे। मैरून के दो फंदे हमने बना लिए और लास्ट के हमने फिर से दो फंदे छोड़ दिए। यहीं से पलट जाएंगे और सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम इनको बनाएंगे। तो यहाँ पे 14-14 फंदों की दो कली बन चुकी हैं। अब ये जो हमारी लास्ट में कली बनेगी ये हम 12 फंदों से बनाएंगे। तो आइए सीधी सिलाई को पहले बना लेते हैं। ये देखिए ये वाली एक दो, ये वाली पत्ती हमारी यहाँ पे बन चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 14 फंदे मैरून के हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 फंदों की कली डालेंगे। ये हमने 14-14 फंदों की डाली है, जैसे आपको बता रहे हैं वैसे ही। ये देखिए यहाँ पे ऐसे ही हमने इनको बनाया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दो फंदा, ये 14 फंदे हैं तो दो फंदे मैरून से ही करेंगे, दो। इसके बाद हम यहाँ पे ये देखिए एक, दो, तीन, चार और यहाँ पे बीच में हम इसको बांधेंगे इस तरह से। ये देखिए 6, 7, 8, 9, 10, ये 11 11 और ये 12। और देखिए लास्ट के मैंने दो फंदे फिर से मैंने छोड़ दिए। तो यहाँ पे ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12। सिलाई को पलट जाएंगे और पलटने के बाद तीन बार हम वैसे ही इसको भी बनाएंगे। तीन सिलाइयाँ जैसे ये बनाई हैं वैसे ही सीधी सिलाई को कर लेते हैं। सीधी सिलाई बना ली, दो फंदा मैरून का। ये देखिए तीन बार हम वैसे ही बनाएंगे। अब यहाँ से मैरून का चार फंदा कर लेंगे, दो हैं, दो तो ये बना लेते हैं और दो आगे से ले लेते हैं। ये देखिए चार हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और लास्ट के दो फंदे फिर से मैंने छोड़े हैं। यहीं से पलट जाएंगे, सीधी सिलाई को बना लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे एक सिलाई हम कर चुके हैं, चार फंदे मैरून वाले मैरून से कर लेते हैं। ये देखिए दो, तीन, चार और दो आगे से ले लेते हैं, पाँच और ये छः। अब आगे के हम क्रीम से बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, दो फिर से छोड़ दिए। यहीं से पलट जाएंगे, आगे हैं उल्टी सिलाई पे। तो छह फंदा मैरून वाला मैरून से, और ये देखिए आठ हो चुके हैं और दो लास्ट के छोड़ दिए हैं, दो लास्ट के छोड़ दिए हैं और आठ फंदा मैरून का कर लिया है। यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी आधी कली बनके कंप्लीट है। ये वाली यहाँ से आधी आधी कली मैंने यहाँ पे ये बना ली है। अब फुल कली के लिए हम जैसे हम ये बाहर की तरफ गए थे वैसे ही हम नीचे की तरफ जाएंगे, अंदर की तरफ। तो देखिए किस तरह से, अब यहाँ पे हम दो फंदा अपना हाफ कली मैंने आपको बता दी है। तो देखिए यहाँ पे हाफ कली मेरी बनके ये वाली कंप्लीट हो चुकी है, ऐसे ही ये वाली। अब हम फुल पत्ती के लिए क्या करेंगे, ये देखिए अब जैसे ही हम बाहर की तरफ गए थे वैसे ही ऊपर की तरफ अंदर की तरफ जाएंगे। तो देखिए किस तरह से, अब यहाँ पे आठ फंदे हैं, दो, तीन, चार और ये पाँच, छः, छः फंदा मैरून का बनाया। अब दो फंदा हम अपना मैरून वाला क्रीम कलर से कम करेंगे। देखिए एक और ये दो
और दो लास्ट के हम छूटे हुए फंदे ले लेंगे इस तरह से, एक दो, तो चार हो चुके हैं, यहीं से हम टर्न हो जाएंगे। सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम इनको बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सा है गाइस डिजाइन, और बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये देखिए, अब फिर से हम यहाँ पे दो तीन चार, चार फंदे हमने बनाए। अब यहाँ पे हम दो फंदा मैरून वाला क्रीम से कर लेंगे। ये देखिए, तीन चार पाँच छः हो चुके हैं, और गैप को हम जहाँ पे भी हमें गैप दिखेगा वहीं पे हम इस तरह से एक एक या दो दो फंदे उठाते हुए तीसरे फंदे के साथ उनको बना देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए, पलट जाएंगे यहीं से और सीधी सिलाई को जो फंदा जैसा है उसी कलर से इनको हम बनाएंगे। फुल कली हम आपको बता रहे हैं। इस साइड से हम बना रहे हैं फंदे को और दूसरी साइड से हम फंदे को उतार रहे हैं। तो यहाँ पे हम मैरून का दो ही फंदा बनाएंगे और दो क्रीम का बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, और ये देखिए गैप को हम तो पीछे से ले लेंगे इस तरह से। देखिए, यहीं से पलट जाएंगे। सीधी सिलाई को बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 12 फंदों वाली कली हमारी बन चुकी है, ये वाली। अब हम यहाँ पे ये वाली डालेंगे, ये वाली। तो देखिए, 14 फंदे हम मैरून से ही कर लेंगे। ये देखिए, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये 14, और यहाँ पे हम गैप को इस तरह से लास्ट का कोई फंदा हम नहीं बनाएंगे, यहाँ से यहीं से सिलाई को पलट जाते हैं। कोई फंदा मैंने लास्ट का छूटा हुआ नहीं बनाया है, गैप को हम यहाँ पे लास्ट में बंद करेंगे। ये देखिए, अब 14 फंदों को सीधी सिलाई को जो जैसा है उसी कलर से बना लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 12 फंदों वाली कली बना ली है, अब 14 फंदे वाली कली हम बनाएंगे यहाँ पे। ये देखिए, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह। अब ये देखिए, यहाँ पे हम गैप को बंद करेंगे। ये देखिए, मैंने 12 फंदे बना लिए हैं, अब दो फंदा हम क्रीम का बनाएंगे। ये देखिए, दो
चार छः आठ दस बारह, ये देखिए दो मैंने मैरून वाले क्रीम कर लिए हैं। अब ये देखिए गैप को हम कैसे बंद करेंगे, यहाँ से एक फंदा उठाएंगे और ये देखिए एक यहाँ से हम बनाएंगे और इनको हम तीसरे फंदे के साथ बना देंगे एक साथ, ये देखिए ऐसे इस तरह से, और यहीं से सिलाई को पलट जाएंगे। अब 14 फंदे वाली पत्ती हम आपको बता रहे हैं, जैसे हम यहाँ से नीचे से बनाते हुए आए थे वैसे ही ऊपर बना रहे हैं। गैपिंग को हमने बंद कर दिया है, ये देखिए जैसे यहाँ पे भी गैप हमने सब बंद किया हुआ है। तो सीधी सिलाई को कर लेते हैं आगे उल्टी सिलाई पे। ये देखिए 10 फंदा हम मैरून से बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब यहाँ पे हम ये दो फंदा मैरून वाला क्रीम से बनाएंगे, तीन तीन सिलाइयाँ वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने बाहर की तरफ नीचे की बनाई थी वैसे ही। अब यहाँ पे ये देखिए गैप को इस तरह से बंद करेंगे, एक फंदा यहाँ से उठाया और एक फंदा यहाँ से, और तीसरे फंदे के साथ उसको बना देंगे। ये देखिए और सिलाई को पलट जाएंगे और पलटने के बाद हम सीधी सिलाई को बना लेते हैं, जो जैसा फंदा है उसी कलर से इनको। तो देखिए हम फिर से सीधी सिलाई बना के उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। अब यहाँ पे ये देखिए 2 4 5 6 7 और ये 8, 8 फंदे हमने बनाए। अब यहाँ से हम दो फंदा मैरून वाला क्रीम से कर लेंगे, ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और 2। गैप को बंद करते हुए दो फंदा छोड़े हुए ले लेंगे, ये देखिए तीन फंदों को एक साथ बना रहे हैं, ये देखिए, और यहीं से सिलाई को पलट जाएंगे। ये देखिए अच्छे से कली हमारी ये बन रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। सीधी सिलाई को हम बना लेते हैं जो जैसा फंदा है उसी कलर से। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे अपनी ये वाली कली डालेंगे, ये वाली भी डाल चुके हैं और ये वाली भी। तो देखिए यहाँ पे 8 फंदे हैं मैरून के। अब ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 और ये देखिए अब 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। और यहाँ पे हम अपना गैप को बंद करेंगे, इक्कीस और ये 22, यहीं से सिलाई को पलट जाएंगे। पलटने के बाद हम सीधी रो को पूरा अपना ऐसे ही बना लेते हैं, ये देखिए। तो 22 फंदा मैंने बना लिया है, ये देखिए। इसके बाद हम ये देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे 22 से हम यहाँ पे अपना 20 फंदा मैरून से बना लेंगे, ये देखिए
लास्ट वाली कली बना रहे हैं हम। अच्छे से आपको समझा रहे हैं, वीडियो अच्छे से पूरा देखें, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है, पर एकदम जब पूरी वीडियो देखते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाती है। तो देखिए यहाँ पे दो फंदा, 20 फंदे मैरून से कर लिए, अब दो फंदा हम यहाँ पे अपना मैरून वाला क्रीम से कर लेंगे। ये देखिए ऐसे। अब यहाँ पे ये देखिए गैप को हम कैसे बंद करेंगे, जैसे मैंने आगे बंद किया था, ये देखिए ऐसे इस तरह से, ये देखिए, और दो फंदे तीन फंदों के साथ उसको बनाएंगे। दो फंदे लास्ट के ले लेंगे, ये देखिए ऐसे, यहीं से पलट जाएंगे। पलटने के बाद हम सीधी सिलाई में फिर से हम ये देखिए चार फंदा मैरून से कर लेते हैं, सॉरी क्रीम से। ये देखिए इस तरह से चार फंदे हो चुके हैं, धागे को पीछे करेंगे और 20 फंदा मैरून से कर लेते हैं। तो आइए इनको बनाते हैं। तो सीधी सिलाई बना ली है। अब जैसे हम तीन तीन सिलाइयाँ नीचे ही बनाए थे ये वाली, वैसे ही हम ऊपर तीन तीन सिलाइयाँ बना रहे हैं। अब तीन बार हम वैसे ही करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे हम 18 फंदा बनाएंगे अपना। दूसरी सिलाई को बना रहे हैं। ये देखिए मैंने 18 फंदे यहाँ पे बना लिए हैं, और जो पिछली सिलाई में 20 फंदे थे, अब ये दो फंदे हम क्रीम कर लेंगे। ये देखिए ऐसे 6 फंदा हो चुका है यहाँ पे, और दो हम गैप को बंद करते हुए दो हम लास्ट के ले लेंगे इस तरह से। ये देखिए और यहीं से पलट जाएंगे। सीधी सिलाई हम जो फंदा जैसा है उसी कलर से इनको बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। ये देखिए क्रीम कलर के 8 फंदे हो चुके हैं, 4, 5, 6, 7 और ये 8। इस बार 10 फंदे हो जाएंगे। ये देखिए 2, 4, 6, 8। ये देखिए हम यहाँ पे अपनी तीसरी सिलाई को बनाएंगे। ये देखिए लास्ट का डिजाइन आपको बता रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 फंदे हमने बना लिए। अब ये देखिए दो फंदा हम अपना ये मैरून वाला क्रीम कर देते हैं। ये देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 हो चुके हैं। अब दो फंदा हम लास्ट का ले लेंगे और गैप को बंद करते हुए ये देखिए इस तरह से दो फंदे उठा लिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गैप है तो दो दो फंदे हम उठा रहे हैं और तीसरे फंदे के साथ उसको बना रहे हैं। तो ये लास्ट के दो फंदे ले लिए। अब यहाँ पे 4 फंदे हैं, 2 मैरून के और 2 ही क्रीम के। अब यहीं से पलट जाएंगे और यहाँ पे हमारी पत्ती, तीन सिलाइयाँ हमारी बनके कंप्लीट हो चुकी हैं। पूरी पत्ती हमारी बनके कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो ये हम सीधी सिलाई को बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी कली बनके कंप्लीट हो चुकी है। अब ये देखिए यहाँ पे हम ये दो फंदे हैं छूटे हुए, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम पूरी सिलाई को
अपना मैरून कर देंगे। यहाँ पे दो फंदे क्रीम के भी छूटे हुए हैं, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कली हमारी ये देखिए पूरी बनके कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम पूरा मैरून से बनाएंगे सभी को। ये देखिए बत्तीस फंदों को हम सभी को मैरून से ही करेंगे। ये देखिए बहुत ही सिंपल सा डिजाइन है और बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, हमने आपको ये डिजाइन बताया है, जो भी आपको कलर पसंद है। ये देखिए सभी को हम यहाँ पे मैरून ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे कली हमारी बनके कंप्लीट हो चुकी है, ये देखिए पूरी कली। गैप को बंद करेंगे, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए 30 फंदा बना लिया, 31 और ये 32। ये देखिए इस तरह से प्यारी सी कली बनके एकदम कंप्लीट हो चुकी है, बहुत ही आसानी से बनाई है। अच्छे से वीडियो को पूरा देखें, आपको क्लियर समझ में ये आ जाएगी। ये देखिए कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। तो आइए मैं इसको बना लेती हूँ यहाँ पे मैरून, पूरी सिलाई को सीधी को, फिर उसके बाद दिखाते हैं। तो पूरी सिलाई मैं मैरून कर चुकी हूँ, ये देखिए, और कली बनके कंप्लीट हो चुकी है। अब ये देखिए यहाँ से हम अपना इसमें ग्रीन ऐड कर देंगे। ऐसे ही आपने कलर को चेंज करते हुए जाना है, आप इसे दो कलर से भी बना सकते हैं। धागे को हमने कट कर लिया है, क्योंकि हमने कली के बाद, पूरी कली के बाद ही कलर को लगाना है, तो इसको भी हम यहाँ से कट कर लेंगे और क्रीम को भी कट कर देंगे। तो आइए मैं बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम फिर से यही रिपीट करेंगे जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, और यहाँ से जो मैंने शुरू किया था फंदे डाल के मैंने डिजाइन को शुरू कर दिया था। अब फिर से हम यही रिपीट करेंगे दूसरी पत्ती के लिए। 16 फंदे यहाँ पे अपना ग्रीन से बनाएंगे, जैसे यहाँ पे 16 फंदे ये बनाए हुए हैं, बाकी अपना 14 फंदा ऑरेंज से बनाएंगे और लास्ट के दो फंदे हम छोड़ेंगे जैसे मैंने इसमें करे हैं। सेम तरीके से वैसे ही हम बनाएंगे। ये देखिए इतना हम बना लिए हैं, ऐसे ही इसको बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आइए मैं इसको ऐसे ही बनाते हुए पूरा करती हूँ, फिर दिखाते हैं आपको।